भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद हुई हिंसा पर भाजपा उग्र हो गई है। बुधवार को करसोग भाजपा मंडल ने एसडीएम कार्यालय के बाहर ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद स्थानीय विधायक हीरालाल की अध्यक्षता में एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें भाजपा ने हिंसक घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। ये प्रमुख कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के संरक्षण में हो रही हिंसा के तांडव के खिलाफ आज एसडीएम महोदय के माध्यम से श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रही हैं, जिसमें 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी की हार और तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद ही तृणमूल सरकार के संरक्षण में गुंडों द्वारा हिंसा का तांडव और खून की होली खेलकर जीत का जश्न मनाना शुरू किया। अभी तक बंगाल में हिंसा की घटनाओं में कई भाजपा कार्यकर्ताओं की जान गई है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला और स्थानीय कार्यालयों को आग के हवाले किया गया है। कई जगह आम लोगों के घरों पर हमले किए गए हैं। हिंसा का तांडव इतना विकराल है कि पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल ने भी अपना वक्तव्य देकर इस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी के माध्यम से हम ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार के कार्यालय में अब तक लगभग 140 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हत्यारों के खिलाफ मूक दर्शक बनकर इन सभी हिंसक घटनाओं की गवाह बन रही है, लेकिन उन्होंने ना तो इसकी निंदा की है, ना ही प्रशासन को गुंडा तत्वों पर अभी तक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन हिंसक घटनाओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश मांग करती है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं के नियंत्रण हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जाएं। हिंसा में संलिप्त गुंडा तत्वों व अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। पश्चिम बंगाल में हुई सभी हिंसक व आगजनी की घटनाओं की सीबीआई जांच की जाए और प्रभावित परिवारों को सुरक्षा की व्यवस्था व उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। भाजपा की अपेक्षा है कि आप हमारी इन मांगों पर उचित व ठोस कदम उठाएंगे ताकि पश्चिम बंगाल के आम जनमानस की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आज ये भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सौंप रही है राष्ट्रपति जी को। हिमाचल दस्तक टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।